चुनावों से पहले पार्टी में रातों रात फेरबदल होना कोई नई बात नहीं है और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यों में ये फेरबदल होना शुरू हो चुका है लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिवर्तन किसी और राज्य में होता है लेकिन उसकी हलचल दूसरे राज्य में होने लगती है और ऐसी ही हलचल देखने को मिल रही है पंजाब में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसी की पड़ताल आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर स्पेशल रिपोर्ट के साथ दोस्तों जैसा कि कि आप जानते हैं कि साल 2022 की शुरुआत में पंजाब यूपी उत्तराखंड गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं चुनावों को लेकर इन राज्यों में सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और चुनावों में सभी समीकरणों को साधने के लिए चुनावी राज्यों में सीएम बदले जाने का खेल भी शुरू हो चुका है पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने छह महीने में ही दो बार सीएम बदला तो अब पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदल दिया पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पहला दलित मुख्यमंत्री देकर कांग्रेस ने पूरे देश में सियासत में हलचल मचा दी है और खासतौर पर यूपी में इसे लेकर सियासत गर्मा गई है और यूपी में लगभग सभी पार्टियां अब कांग्रेस के इस दाव पर निशाना साध रही है दरअसल पंजाब विधानसभा से ठीक पहले कांग्रेस ने सीएम बदलकर बड़ा दाव चला है और पंजाब के इस दाव से उसे यूपी विधानसभा में भी फायदा मिलने की उम्मीद है जिसे अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है अब सवाल ये है कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन से यूपी में हलचल क्यों मच गई है यानी यूपी विधानसभा चुनाव पर इस परिवर्तन का असर कैसे पड़ सकता है कांग्रेस ने ऐसा कौन सा दाव चला है जिससे मायावती के अलावा सीएम योगी भी बौखला गए हैं तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र पंजाब में कांग्रेस की रणनीति पर पंजाब में अगले कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पंजाब का नेतृत्व परिवर्तन करना कांग्रेस का बहुत बड़ा फैसला है और चुनावों को देखते हुए ही ये फैसला लेने में कांग्रेस को काफी समय भी लग गया क्योंकि पंजाब चुनावों में पार्टी को कोई नुकसान न हो इसी को देखते हुए सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है इसीलिए पंजाब में कांग्रेस ने पहली बार दलित सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है यानी कांग्रेस पंजाब में दलित कार्ड खेल रही है क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत में दलितों की सबसे बड़ी आबादी पंजाब में है पंजाब की आबादी का लगभग बत्तीस से चौंतीस प्रतिशत हिस्सा दलितों का है ऐसे में दलित सिख समाज से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने भी पंजाब में दलित कार्ड खेल दिया है और इसका असर पूरे भारत में देखा जा रहा है देश में कुल मतदाताओं में पंद्रह फीसदी ऐसी ज्यादा दलित वोटर हैं। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में हमेशा से ही लगी रहती हैं। अब कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता पर बने रहने के लिए ये दाव चल दिया है जिससे आगामी चुनाव में पार्टी को अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से नुकसान ना हो लेकिन कांग्रेस के इस दाव के पीछे बहुत दूर की सोच है यानी कांग्रेस को उम्मीद है कि इस दाव का फायदा उसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मिलेगा और यही कारण है की कांग्रेस के इस दाव ने यूपी में भूकंप ला दिया है कांग्रेस का दलित कार्ड वाला दाव सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है उसका असर उत्तर प्रदेश तक पहुँच रहा है यानी पंजाब में दलित सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस यूपी में भी दलितों को साधना चाहती है अब कांग्रेस के इस फैसले से उसको कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इस फैसले ने सभी राजनीतिक पार्टियों को हिलाकर जरूर रख दिया है और उत्तर प्रदेश में तो पार्टियों की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि वो बौखला कांग्रेस पर जमकर निशानेबाजी कर रही है चार महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है लेकिन चुनावों से चार महीने पहले ही राज्य को नया सीएम मिल गया पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई दलित राज्य का सीएम बना है माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित चेहरे पर दाव खेल कर एक साथ कई निशाने लगाने की कोशिश की है पंजाब के साथ कांग्रेस ने यूपी उत्तराखंड की सियासत में भी हलचल मचा दी है जहाँ दलित कई सीटों आरोप निर्णायक स्थिति में है कांग्रेस के दाव ऐसी सबसे बड़ा नुकसान बी को होता दिख रहा है और इसे लेकर बी एस सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आएगी दलित वर्ग कांग्रेस से सावधान रहे चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ वक्त के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है आगामी पंजाब चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में लड़ा जाएगा इससे साफ होता है कि कांग्रेस का दलितों पर अब तक भरोसा नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस के इस दाव से सिर्फ मायावती ही परेशान नहीं है बल्कि इस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नींद उड़ा दी है बीजेपी की बढ़ती टेंशन का आलम यह रहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए एक साथ कई ट्वीट कर दिए अपने ट्वीट के जरिए जहाँ सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो वही आगामी चुनाव के लिए दलितों को साधने की भी कोशिश की साथ ही ये बताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी दलितों को कितना महत्व देती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत व बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया उनका त्याग में जीवन हमें आत्मविस्मृति से उभार कर अपने गौरवशाली अतीत के साथ उन्हें जोड़ने को प्रेरित करता है काशी में संत शिरोमणि रविदास जी की पावन प्राकृत स्थली के सुंदरीकरण हेतु हम बृहद स्तर पर कार्य कर रहे हैं इस पुनीत कार्य में विरोधी दल के लोग रोड़े अटका रहे हैं लेकिन कोई चिंता नहीं है हमारा कोई धर्म नहीं कोई मत और मजहब नहीं कोई उपासना विधि नहीं बस एक ही धर्म है राष्ट्र धर्म राष्ट्र धर्म का उपासक बन कर के जो कार्य करेगा अपने आप को समर्पित करेगा वह लोक के लिए पूज्य हो जाएगा समाज उसको पथ पथ पर सम्मान देगा आप सभी याद रखना अनुसूचित जाति समाज का नींव है नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है हमारे लिए ओबीसी बी सी एस सी एस टी महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए है सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के माध्यम है आजादी के बाद तुष्टिकरण की जो राजनीति देश में चल रही थी उस करण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे मुख्यमंत्री योगी के एक के बाद एक इतने ट्वीट आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब बीजेपी भी कांग्रेस के इस दाव से सख्ते में आ गई है क्योंकि इस बार बीजेपी ने ही सबसे पहले दलित कार्ड खेलने की शुरुआत की थी एस पी पर भी इसका असर दिख रहा है अब तक कांग्रेस ऐसी गठबंधन के नाम आरोप दूर खड़ी एस अब कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार है एस नेता अब कांग्रेस ऐसी गठबंधन की बात करने लगे हैं जिससे यूपी में दलित वोटों को अपने पाले में किया जा सके अब पंजाब की राजनीति का असर यूपी में साफ साफ नजर आने लगा है पंजाब के साथ ही यूपी में भी चुनाव है इसीलिए सभी पार्टियां दलित समाज पर प्यार दिखा रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब और यूपी के अलावा चुनाव तो उत्तराखंड गोवा और मणिपुर में भी हैं। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश में ही इतनी हलचल क्यों मचाई है तो क्या है इसका कारण आइए समझते हैं वैसे तो लगभग पूरे देश में ही दलित आबादी पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन जब बात आती है भारत में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाले राज्यों की तो उसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है पंजाब में लगभग चौतीस प्रतिशत दलित हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग इक्कीस प्रतिशत दलित आबादी है और यही कारण है की पंजाब में हुए बदलाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिख रहा है कांग्रेस को पूरी उम्मीद है की उसका ये दाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी फायदा दे सकता है क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों में दलितों की अच्छी संख्या है यानी आंकड़ों से ये तो साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में इतनी हलचल क्यों मच गई है अब दलित वोटों की बात की जाए तो अभी तक दलित वोट मायावती के खाते में ही जाते रहे हैं जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान होता रहा है अब कांग्रेस ने ऐसा पासा फेंका है कि मायावती को अपना मुख्य वोट बैंक कटता नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ इस बार बीजेपी भी दलितों पर काफी फोकस कर रही थी यानी उसे भी नुकसान हो सकता है इसीलिए मायावती और योगी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है तो अब बीजेपी और बीएसपी की इस बौखलाहट को देख कर यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया है अब कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक ने पार्टियों की नींद तो उड़ा ही दी है तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ नमस्कार